है ना, कमाल की लोकेशन पे होटल, और ये पूरा वैली भी दिखता है रात के समय में, बहुत मज़ा आता है देखने में, से तारों की तरह चमक रही होती है नीचे की से। ये अपना झूला है एक तरीके से, हम झूले पे बैठ भी सकते हैं। और ये निकितारी, गाइस वेलकम टू आवर चैनल लाइफ राजी। हम निकल चुके हैं फिर से एक और ताबड़तोड़ ट्रिप पर। वीकेंड स्टार्ट हो गया, लास्ट वीकेंड अगर आपने हमारी मनाली कसोल वाली ट्रिप देखी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। आज हम लोग निकल चुके हैं मसूरी के लिए, कल हम शायद धनोल्टी चले जाएं, और मंडे को हमारे फ्रेंड मनीष की एंगेजमेंट है, और ये वही मनीष है जो हमारे साथ रणथंभौर ट्रिप पे चला था। वो दोनों मनीष और प्रियंका की एंगेजमेंट है, तो देहरादून में मंडे को अटेंड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे घर पे। तो हमारे पास दो दिन है, देहरादून से सिर्फ अराउंड 20 या 25 किलोमीटर ही दूर होंगे, और ये वाला एरिया जब भी हम यहाँ से पास करते हैं तो यार बड़ा अच्छा सी फीलिंग आती है ना, एकदम ग्रीन ग्रीन सा। बट बस यही रहता है, कई बार यहाँ पे ओवरटेक करने में वाट लग जाती है, लेकिन आप सेफ्टी से करो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मस्त है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 30 डिग्री, मतलब वही दिल्ली गुड़गांव वाला टेम्परेचर है। अगर मसूरी में ठंडा ना मिला तो वाट लग जाएगी, है ना। वैसे रात में ठंड होगी, दिन में तो गर्मी होगी। हाँ, दिन में गर्मी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा, 30 डिग्री टेम्परेचर तो यार बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक पे वेट करके कैसे लग रहा है? बहुत ही अच्छा, अमेजिंग, ऐसा लग रहा है क्या एक्सपीरियंस है गुरु। ये बहुत जबरदस्ती करा था सुनी ने। मजा मुझे कुछ नहीं आ रहा, कह रहे कि मैं सोच रहा हूँ कि इनको और पुल बनाना चाहिए, सनी ये सब बातें बोल रहे थे अभी तक। और अभी बुराइयां हो रही थी कि यार इतना रश, पुलिस क्यों नहीं है यहाँ पे रोकने के लिए, और अभी अब बोल रहे हैं अमेजिंग एंड ऑल। इनको पता कैमरा ऑन है इसलिए गा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत, देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वाह, मजेदार हिंदी पढ़ ली आपने, शुक्रिया शुक्रिया जनाब। ये है टनल, इसके बाद आ जाएगा अपना देहरादून। वेलकम टू उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है, और हमारे नेटवर्क का भी स्वागत है। नेटवर्क मेरा नेटवर्क नहीं है यार, मेरा तो हाँ भाया। 30 डिग्री है यार यहाँ पे भी टेम्परेचर, क्या है यार। तो मैंने कहा था गर्मी है, दिन में तो भयंकर गर्मी है, रात में हल्की बहुत ठंड। कोई ना, ऊपर जाके देखेंगे क्या होता है। कोई ना बाजी, सब चंगा है। अभी हम लोग देहरादून की गलियों से निकल गए, और एक कैंट एरिया है, और उसमें से निकल रहे हैं, मसूरी के काफी करीब आ गए, करीबन करीबन 1 घंटा 14 मिनट ही बचा हुआ है। मसूरी की तो चढ़ाई अभी शुरू ही नहीं हुई है, और 1 घंटा 14 मिनट में ये दूरी पूरी करी जाएगी। सही है, मतलब कि पूरा 1 घंटा लगेगा हमें आज चढ़ाई में, हो सकता है कि ऊपर जाम हो, नहीं तो 45 मिनट ही लगता है ना निकिता। लेकिन बड़ा सही लग रहा है, अभी भी टेम्परेचर तो बढ़ ही जा रहा है, 12 बजते की 31 डिग्री हो गया 30 से, तो ऊपर वैसे शायद बादल हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना पहाड़ इतने क्लियर दिख नहीं रहे हैं। मसूरी की चढ़ाई शुरू हो चुकी है, और अभी ही 2 डिग्री टेम्परेचर गिर चुका है, 29 हो गया 31 से, तो होपफुली ऊपर थोड़ा सा तो ठंडा होगा ही, और व्यू आने वाले अच्छे अच्छे, उनके दर्शन होने वाले हैं, और अपनी लेन में गाड़ी चला रहे हैं हम मस्त से, कभी इधर तो कभी उधर, ऐसे झूल झाल के ऊपर जा रहे हैं। मैं झूल रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे मैगी पॉइंट आते हैं, लोग स्कूटी पे, बहुत लोग आराम से मतलब स्कूटी पे जाते हैं। हमने भी एक बार, ये निकिता मैं आए थे, तो हमने नीचे से मतलब हमने बस स्टैंड पे वो खड़ी कर दी थी ना, बस में आए थे गुड़गांव से, और फिर वहाँ से हमने जो ISBT है वहाँ से हमें स्कूटी रेंट पे मिल गई थी। वहाँ पे लोग ना अपना ऐसे देहरादून वाले लोग तो यार कभी भी जो उनका मन करता है ना ऊपर आ जाते हैं मैगी खाने के लिए। वो मोस्टली वो लोग वहाँ जाते हैं, चार दुकान कहाँ पर है वो जो ऊपर बताया था ना, लास्ट टाइम अपन गए नहीं थे, तो मैंने आपको कहा था कि चार दुकान में बहुत जाते हैं लोग। ओके,
ट्रैफिक है सड़क पे, काफी ट्रैफिक है, ऐसा नहीं कह सकते कि ट्रैफिक नहीं है, मिल ही रहे चल ही रहे, लेकिन इतना चलता ही रहता है। बाकी ऊपर जाके पता चलेगा कि क्या रहता है। यहाँ से सिटी का भी पूरा दिखने लग गया है, फिर से दिखेगा भी हल्का फुल्का। तो ये सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ना पहाड़ों के ऊपर, यही है मसूरी। तो यहाँ जा रहे हैं हम, अभी थोड़े पल में ही पहुँच जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। और एनर्जी लेवल ना थोड़ा कम हो गया क्योंकि भूख लग गई है। हमने 9 बजे करीब खाया था, नहीं था 9:30 बजे करीब खाया था और 1:30 बज गया है। तो लंच का टाइम हो गया है, भूख लग गई है, फ्रेश होना है, खाना खाना है। तो हम शाम में गनील जाएंगे। तो शाम में गनील जाने का प्लान है। गनील एक तरीके से वॉक करके भी जा सकते हो और रॉप वे से भी जा सकते हो। अगर आप मॉल रोड पे हो और गनील जाना चाहते हो तो आपको करीबन 20 मिनट लगते हैं ना, 20-25 मिनट वॉक से, इतना ही लगता है। और अगर आपने ट्रॉली लेके जाना है तो ट्रॉली भी ले जा सकते हो, ऊपर ट्रॉली भी जाती है। अच्छी जगह है, वहाँ पे व्यू बहुत अच्छा आता है दूसरी साइड का, और वहाँ पे बर्फ़ हमें दिखेगी, है ना लोगों, चांसेस हैं बर्फ़ देखने के वहाँ पर सामने वाले पहाड़ पर। पिछली बार तो नवंबर में भी दिख रही थी जब तक स्नोफॉल भी नहीं हुआ था, है ना। तो इस बार भी दिखेगी वहाँ पे, पूरा यकीन है। और गर्मी है यार अभी भी बहुत गर्मी है। ऊपर जहाँ पे जा रहे हैं मसूरी में जाने ही वाला है, गर्मी बहुत है पर यहाँ पर ठीक। वो गाड़ी में गिटार बजा रहे हैं। हाँ, हमसे हमारे सामने से सात वाली, मतलब इसके आगे जो गाड़ी जा रही है उसके अंदर एक भैया नया गिटार लेके आ रहे हैं शायद, और वो गिटार बजाते हुए ऊपर जा रहे हैं। नया है आपको कैसे पता? क्योंकि उस पे थैली चढ़ी हुई है ऐसा लग रहा है। देखिए अब आपको दिखेगा गिटार, है ना, आपको भी दिख रही है अब थैली? नहीं थैली नहीं है, कोई धागा बांधा हो सकता है। गिटार पुराना ही लग रहा है, अब तो पुराना ही लग रहा है, पर सही है, मजे लेते हुए बंदे जा रहे हैं गिटार बजाते हैं। ये पेंटिंग बहुत अच्छी बना रखी है किसी ने, बनाई है ऐसे लग रहा है पेंसिल से किया गया, पेंसिल आर्ट है, है ना, मतलब बहुत रियल लग रही है। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, सिर्फ 1-2 मिनट की डिस्टेंस पे रह गए हम होटल से, फिर बस पहुंच गए, लेकिन जाम था लास्ट में, एनर्जी भी डाउन है। खाना खा के इसको चार्ज करते हैं। तो हम रूम में आ गए, एनर्जी आ गई है थोड़ी सी, हाथ मुंह धो लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ अपना रूम, यहाँ का रूम इज डिसेंट। ये है अपना रूम, यहाँ पर बेड है, हमने इस पर चीज़ें वीज़ें रखते हैं, यहाँ पे भी एक और सोने की जगह, और ये हमारा खाना है इस जगह पे, और ये व्यू के साथ हम खाना खा सकते हैं यहाँ पर, बहुत प्यारा व्यू है। और बाहर झूला भी है, मैं आपको झूला दिखाऊं बाहर, अरे खुल जाओ भाई, ये देखिए है ना कमाल की लोकेशन पे होटल। और ये पूरा वैली भी दिखता है रात के समय में, बहुत मज़ा आता है देखने में, से तारों की तरह चमक रही होती है नीचे की से। ये अपना झूला है, एक तरीके से हम झूले पे बैठ भी सकते हैं। और ये निकिता री, तो रूम के अंदर चलते हैं फिर से और खाना खा लेते हैं और एनर्जी लाते हैं, फिर बाहर जाएंगे कहीं पर। खाना सही लग रहा है, ग्रीन सैलेड, हल्की हल्की हवा चल रही है, टेम्परेचर अच्छा है, मतलब बाहर निकलने में शायद एक जैकेट डालना पड़े। हाँ, हमने मंगाया है पनीर, पनीर भुर्जी, दाल, मसाला पापड़ और रूम, एक और पापड़ भी आ गया है। रूम के अंदर ठंडी ठंडी हवा रही क्योंकि हमने दरवाज़ा खोल रखा है, अब इसको कर देते हैं हल्का सा बंद, मस्त। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है होटल, मतलब पुराना बना हुआ है, प्रॉपर्टी काफ़ी पुरानी है। खाना बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, मज़ेदार, और एकदम शांति है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शांति है इस व्यू के साथ, ने खाना खा के एकदम शांति के साथ। हाँ मज़ा तो आएगा ही आएगा, मैं एकदम सफ़ेद सा हो रखा हूँ, ऐसे लग रहा है स्किन वो सूख जाती है ना सर्दियों में, वैसा सा।
यार खाना इससे बेहतर नहीं हो सकता है ना निकिता, बहुत सेटिस्फेक्ट्री खाना है ना, स्टैंडर्ड है, हमने ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं है, दाल और पनीर मंगाया तो उसके अंदर टेस्ट है भरपूर भरपूर और मज़ेदार, सब कुछ अच्छा लग रहा है। मे भी हमें भूख भी लग रही थी और बहुत सही से मतलब मज़ा आ रहा है ऐसी लोकेशन के साथ खाना खाने में। तो यार ये अपनी पार्किंग से व्यू है, अपने होटल में पार्क कर दी थी गाड़ी। चलो निकिता आओ, ये अपना होटल है, होटल क्लासिक हाइट्स, मस्त लोकेशन पे है। तो अपना होटल बिल्कुल माल रोड पे ही है, हम जहाँ से अभी एंट्री एग्जिट करा है हमने, ये रहा अपना होटल। कुछ अभी पेस्ट्री खानी है, चलो आगे खाते, चलो चलो। जी मॉल रोड की कर रहे हैं एंट्री, यहाँ पे बहुत सारे आपको प्योर वेजिटेरियन खाने की जगह भी मिल जाएंगी यहाँ पर आपको। निकिता को डस्ट से एलर्जी है तो उसने मास्क लगा लिया है, मिट्टी उड़ रही है हल्की हल्की, ठंडी हवा चल रही है। और अगर मैं बात करूँ जैसे हम लास्ट वीक मनाली में थे, और मनाली और यहाँ की जगह की बात करूँ तो यार ऑफकोर्स मनाली की जो मॉल रोड है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, और लेकिन ठंडक यहाँ पर ज़्यादा है इस टाइप पर,